और वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल गल्फ नौकरी वाला में। और गल्फ नौकरी वाला में हमेशा की तरह आज फिर से नए अपडेट के साथ आ चुके हैं, जो काफ़ी बेहतरीन और अच्छी अपडेट है दोस्तों। आज फिर हम कंसल्टेंसी सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है हमारा, और कंसल्टेंसी सीरीज का जो है सेकेंड वीडियो है हमारा। और इसी तरह फिर से आप जो भी कंसल्टेंसी के बारे में पूछोगे उसके बारे में वीडियो आता रहेगा हमेशा दोस्तों। तो इससे पहले हमारा वीडियो जो आया था वो किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, और फिर ये एक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा कमेंट्स वगैरह करते हैं, तो वो पर्सनली मैसेज किए थे सर दीवान कंसल्टेंट के बारे में बताने के लिए। तो फाइनली हम दीवान कंसल्टेंट के बारे में बताने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, दीवान कंसल्टेंट वन ऑफ द वेरी रिपोर्टेड ऑफिस, सेम लाइन है दोस्तों। एक्चुअली में ये भी ऑफिस अच्छी है जनरली, और अच्छे काम करवाती है, और डिफरेंट फील्ड में इनका भी रोल है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूँ, दीवान कंसल्टेंट हैज़ द परफेक्ट एज द आर्ट ऑफ इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सर्विस इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबली। ओके, आप यहाँ से इनका जॉब एक्सप्लोर से कर सकते हो और अपलोड CV देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। अदरवाइज आप इनको मेल भी कर सकते हैं, जो लास्ट में हम मेल ID बताएंगे। ओके, तो दोस्तों बता दें कि ये सक्सेसफुली प्लेसमेंट किए हैं अभी तक 3 लाख से ज़्यादा आदमी का, और सोर्स कंट्रीज जो है 20 से ज़्यादा, और एम्प्लॉयर जो है 350 है, मतलब कंपनीज। ओके, डेटा बेस इनके पास जो है 2,50,000 से ज़्यादा का है। ओके, और दोस्तों हम बता दें कि जो लोकेशन है जो UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इंडिया एंड बहरीन के लिए ये जनरली मैन पावर सप्लाई करते हैं, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनली। ओके, दोनों हैं। और आप बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल सॉल्यूशंस, तो गाइस जो ये ऑफिस है वो मल्टीपल ग्राफिक्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ सेक्टर में डील करती है, जैसे HR में मैन, उसके बाद मैनेज वाइट कलर, और उसके बाद मैन पावर सप्लाई में, मतलब स्किल, सेमी स्किल एंड अनस्किल्ड। ओके, और दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि इनका जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी है, ओके, कैटरिंग सर्विस है, ऑयल एंड गैस सर्विस है, ओके, और उसके बाद जो है आपको मेडिकल है, मतलब मेडिकल लाइन में भी, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी है, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डेटा साइंस, ITP में भी है, IT में भी काम करती है, साथ में आपको बता दें होटल एंड रेस्टोरेंट में भी करती है, और साथ में जियोलॉजिस्ट, मतलब माइनिंग वगैरह का भी मैन पावर सप्लाई करती है, उसके एयर एविएशन में भी मैन पावर सप्लाई करती है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है, और लास्ट में हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी ये कंपनी काम करती है, उसमें भी मैन पावर सप्लाई करती है, और रिटेल शॉपिंग मॉल्स है इसमें भी मैन पावर सप्लाई है, जैसा कि IT का मैंने बताया। ओके, तो ये सारा चीज़ में ये मैन पावर सप्लाई करती है। ओके, तो अगर आप CV सबमिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये अगर आपके जॉब के हिसाब से अगर कुछ मैच होता है तो ये ज़रूर आपको कॉल करेंगे, क्योंकि इनका जो डेटाबेस है इनमें ये स्टोर होता है। ओके, और गाइज अब हम बात करेंगे कि ऑफिस अच्छी ऑफिस है, जनरली आप काम करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। ओके, और दूसरी बात कि दोस्तों इनके कुछ क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी रिपोर्टेड क्लाइंट्स हैं, जैसे अल अब्दुल करीम, ABM, बुज कंट्रैक्ट सेंटर सॉल्यूशंस, कीफा एंड अल उथैम होल्डिंग, MMV, अल जब्बार। ओके, ये सब मैन क्लाइंट्स हैं जिनको ये मैन पावर बहुत ज़्यादा करती है। ओके, और अलमुक्ता, मतलब कि अलमुक्ता, अलबस्ती, अलमुक्ता, ABM, जैसा मैंने बताया था आपको। ओके, उसके बाद कुछ क्लाइंट्स हैं जो इनके सप्लाई चैन वगैरह में, अबू धाबी नेशनल होटल्स, अल जबार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अल शाया ग्रुप, अटलांटिस, द पाम दुबई, फ्लाइट एमिरेट्स कैटरिंग सर्विस, नेफ, अल जवा इन्वेस्टमेंट्स, अल जराई इन्वेस्टमेंट्स, सऊदी बिल्लादीन एंड ट्रांसगार्ड ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। उसके बाद अल आशा हॉस्पिटल और एमरील में भी मैन पावर सप्लाई करते हैं, किया मोटर्स सऊदिया एंड अल नबूदा में भी मैन पावर सप्लाई है, रोबी होल्डिंग, सबवे, बर्गर किंग। गाइस ये सब अबू धाबी नेशनल होटल्स जैसे मैंने आपको बताया, तो काफ़ी अच्छी क्लाइंट्स हैं इनके पास भी। और बात करेंगे कि इनका कॉन्टैक्ट्स, तो गाइस ये मंडे टू सैटरडे ऑफिस खुलती है 9 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, और इनका नंबर है 0224214607004216700।
info@divanconsultant.com इनका मेल आईडी है, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हेड ऑफिस की है और इसका कुछ ब्रांच ऑफिस के बारे में बताएंगे। और इनका जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, जो कि 2024 तक की वैलिडिटी है। अभी तो 2 साल अभी वैलिडिटी है, 1000+5 की रेटिंग है, अच्छी रेटिंग है। साथ में दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट्स में। ओके, कॉन्टैक्ट्स में हम देखेंगे कि इनकी ऑफिस कहाँ कहाँ है और क्या है। ओके, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों कि इनकी ऑफिस जो है दीवान कंसल्टेंट्स का पहला तो इंडिया में है, जैसा कि आपको पता है, सागर टेक प्लाजा साकीनाका जंक्शन अंधेरी ईस्ट मुंबई अंधेरी में है। उसके बाद आपको बता दें दीवान कंसल्टेंट्स जो है यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में है, बिल्डिंग नंबर 4, ऑफिस नंबर 105 दुबई, मीडिया सिटी दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। तो मीडिया सिटी में श्रीलंका कोलंबो में है दीवान कंसल्टेंट्स, और दीवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नेपाल में भी है। ओके, तो अगर आप दोस्तों अगर आप श्रीलंका नेपाल से हैं तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनके एड्रेस पे, या फिर अगर आप दुबई से हैं यूएई से हैं तो दुबई में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी इनका डिटेल है। ओके, अब हम बात करेंगे कि सारा चीज़ ठीक है, सर आपने बता दिया कि ये है वो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है, तो लाइसेंस नंबर हम जनरली बता चुके हैं, बस एक चीज़ बताना है हमको कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लिस्ट है उसमें है कि नहीं। तो चलिए हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त ये ऑफिस है। ओके, तो चलते हैं। तो दोस्तों उसमें जाने से बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों वैसे तो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हिसाब से हमारा न्यू व्यूअर है उस हिसाब से हमारा सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। ओके, चैनल और एवरेज कहा जाए तो 20-25 एवरेज है सब्सक्रिप्शन का। तो दोस्तों मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट क्या करें दोस्तों, हमारा भी जॉब है, हम भी कहीं जॉब कर रहे हैं और यहाँ से टाइम निकाल के आप लोग को सही जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जहाँ तक के बात है दोस्तों दीवान कंसल्टेंट्स का मेरा पर्सनल विजिट है, आप बोलोगे सर आप हर ऑफिस में विजिट किया हुआ है, तो दोस्तों मैं पिछले 7 साल से गल्फ आ रहा हूँ और मोस्टली मैं शटडाउन में आता हूँ। तो शटडाउन में क्या है कि हर 3 महीने के बाद आप फ्री हो जाते हो, तो फ्री हो जाते हो या फिर अभी मैं आया हूँ तो 1 साल के विजिट सॉरी 1 साल के लॉन्ग वीज़ा में पिछले 2 साल से मैं आ रहा हूँ। इससे पहले मैं शटडाउन में था और शटडाउन में ये था कि 2 साल पहले शटडाउन में ये था कि आना जाना बना रहता था, लेकिन अब मैं जो है बंद कर दिया हूँ। अब जो है शटडाउन इसलिए नहीं जाता हूँ कि बहुत परेशान हो जाता हूँ, ठीक है, इसलिए जो है शटडाउन में नहीं जाता हूँ, एक कंपनी में आके अब पकड़ के बैठ गया हूँ। अब इसको मैं उसी शर्त पे छोड़ूंगा कि आप लोग अगर 1 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आप लोग पूरा देते हैं सारा दोस्त मिलके भाई मिलके, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा व्यू आता है उस हिसाब से मेरा सब्सक्राइबर नहीं है। पर डे का जो है 2000-3000 मेरा न्यू 1500 से 2000 मेरा न्यू व्यूअर है, ठीक है। और अब बताओ 1500 अगर न्यू व्यूवर है, न्यू कैंडिडेट है हमारे, न्यू भाई हैं, न्यू दोस्त हैं हमारे, अगर वो सब्सक्राइब करते तो मेरा कम से कम 1000 आदमी भी सब्सक्राइब करते, न्यू आदमी है तो 1000 सब्सक्राइबर होगा, लेकिन नहीं करते हैं वो। ओके, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, हो सकता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी उनको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन अगर ये 1000 अगर पर डे करेंगे तो मेरा 1 मिलियन सब सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगेगा, 1 साल काफ़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा अगले साल से जो है 1 साल के बाद मैं आप लोग से वादा करता हूँ, जिसने मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ उसके हम नेक्स्ट वीक ही हम रिज़ाइन दे देंगे यहाँ के कंपनी में, और मैं आप लोग को फुल टाइम और बेहतरीन जानकारी और लाइव वीडियो में कोशिश करूँगा, लाइव आकर लाइव ऑफिस में जाकर आपको मैं सारा चीज़ दिखाऊँ समझाऊँ। ओके, मैं उनके मैनेजर से या फिर उनके जो भी की होल्डर है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उससे मैं बात कराऊँ। ओके, तो दोस्तों जैसा कि अभी बात कर रहे थे दीवान कंसल्टेंट्स के बारे में, तो इनका आप सीरियल नंबर 804 में देख सकते हैं, आरए नंबर 5926 दीवान कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अथराजी सिग्नेचर जो है आशीष दीवान, मनीष दीवान और सचिन दीवान, ये 3 आदमी मिलके जो है इसको रजिस्ट्रेशन करवाया महाराष्ट्र मुंबई में, सब अर्बन ऑफिस है मुंबई, 100+5 की रेटिंग है ना। और बता दें सागर टेक प्लाजा साकीनाका जंक्शन अंधेरी कुरला रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई में ये ऑफिस है। इनका मोबाइल नंबर जैसा मैंने पहले ही बताया, कॉन्टैक्ट नंबर
और यहाँ भी है info@divanconsultantska.com जो इनका मेल आईडी है, और 02-42-14-67-00 ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल है। बट इस पे आप कॉल ना करें, कोशिश करें जो न्यू अपडेट नंबर है उस पे कॉल करें। और इनका लाइसेंस जो है अभी एक्टिव है, इनका आप www.divanconsultant.com इनका वेबसाइट भी है। ओके, मैं एक बार इसको अच्छे से लाइनिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। ओके, अब ये लाइन के अंदर आप चेक करें, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा वन बाय वन करके। जैसे कि ये इसका आरएन नंबर, नाम कहाँ का है, लोकेशंस और लाइसेंस नंबर, लोकेशन, और ये मेन चीज़ है एक्टिव है कि नहीं। ये अभी एक्टिव है तो ये चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वैकेंसी अपडेट मैं लेके आता हूँ, आता रहूँगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बेहतरीन आपके लिए है, खास करके फ्रेशर्स के लिए, और फ्रेशर्स के अलावा आप एक्सपीरियंस भी हैं तो आपके लिए है। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स हो जाएगा, और दूसरा एक्सपीरियंस के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्सपीरियंस वाले जो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं, भाई है, दोस्त हैं, जो 8 साल 10 साल 12 साल 5 साल से काम कर रहे हैं और साइट वर्क कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि ऑफिस में काम करें, तो उसके लिए ये स्किल्स जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको हम बताएंगे कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपको सारी डिटेल दी जाएगी। उससे पहले कर लेते हैं रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है तो वो जल्दी से कर दें, और भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का जो है थोड़ा सा दिल रख ले भाई, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते हैं, नॉलेज वाला और आपके हेल्प वाला। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि प्लानिंग P6 ओरेकल का ये एक सॉफ्टवेयर है प्राइमवेरा, वो करना इसलिए मस्ट है और ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर ऑफिस हर कंपनी यही चाहती है कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए वो मल्टी टैलेंटेड आए। तो इसके लिए जो है आपको एक्सेल तो बेसिक चीज़ है, एक्सेल और MS वर्ड, पावर पॉइंट, बट अगर आपके पास P6 भी है, एक एक्स्ट्रा स्किल्स है, तो आपको जो है ऑफिस में जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा है। और ये करने के बाद आप एक, जैसे मान लो अगर आप पाइपिंग इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर, कोई भी हो, साथ में अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल्स हो जाता है, प्लानिंग का खास करके, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए। इसलिए अगर आप P6 करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है इंडस्ट्रीज़ में। दोस्तों फ्रेशर्स के लिए तो ये मस्ट है ही, बाकी आपको एक्सपीरियंस के लिए भी मस्ट है, लेकिन सबसे दिक्कत आता है करें कहाँ से, कैसे करें, कैसे हम कांटेक्ट करें इंस्टीट्यूट को। तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो अपने हिसाब से पैसा लेती है हर कोर्स का, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगा आपके लैपटॉप पे, सिर्फ आपके पास लैपटॉप होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबल टाइम होता है, आप जिस टाइम में बोलोगे उस टाइम में ये आपको ट्रेनिंग देंगे। तो दोस्तों इसके लिए करना है बस क्या कि आपको इनरोल करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो हमारे कॉन्टैक्ट में है, अगर आप करना चाहते हैं वहाँ से तो आप हमें मैसेज करें, हम आपका इनरोल करवा देंगे वहाँ, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1 महीने की ट्रेनिंग है, और इसका जो फीस है दोस्तों, जनरली फीस हर ऑफिस का अलग अलग है, बट दोस्तों हमारे थ्रू अगर आप करवाते हैं तो 18,000 रुपये फीस है, बट अभी 1,000 का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए ये मैसेज आपको पास कर रहे हैं। तो अगर करना चाहता है उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स है या डिप्लोमा या बीटेक या इंटर करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों, अगर आप NDT सेक्टर्स में, क्वालिटी के सेक्टर्स में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आपको NDT एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जो आपको वो मुकाम दिला सकता है। NDT टेक्नीशियन बन के आप 40-50 हज़ार रुपये गल्फ में कमा सकते हैं स्टार्टिंग में, एटलीस्ट कम से कम 40,000 तो आप कमा ही सकते हैं महीने का, और इंडिया में भी अच्छा खासा 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग आपकी जॉब होगी। दोस्तों आपको बता दें NDT टेक्नीशियंस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। कई बार NDT टेक्नीशियंस, NDT कोऑर्डिनेटर, NDT सुपरवाइज़र, फोरमैन या इंजीनियर तक होते हैं, इसका लेवल अगर आप क्रॉस करते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से। आपको बता दें दोस्तों इस फील्ड का काफ़ी बेहतरीन जॉब मिलने वाला है इस फील्ड में, और इसका जो प्राइस है, ये फीस जो है दोस्तों, वो 25,000 है, पर दोस्तों हमारे कैंडिडेट को 5,000 और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, जो कि हो जाएगा 19,000। दोस्तों अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर पर कॉल करें, और जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।